जालौन से खबर है जहां पर कारागार एवं होमगार्ड मंत्री ने जेल पहुंचकर बंदियों से वार्ता की है और इसके साथ ही साथ बताया जा रहा है कि कारागार एवं होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जिला कारागार उरई में पहुंचकर बंदियों से वार्ता की। इस दौरान मंत्री जी ने बंदियों से अपराध की दुनिया छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का संकल्प भी दिलाया। उन्होंने कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति छोड़कर जीवन की मुख्य धारा से जुड़े और आपराधिक घटनाओं से अलग रहे। देखिए, सबसे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनी है और जो मिला है सब लोग अभियान चला करके सर्दियों में सभी जेलों में कम्बल वितरण का कार्यक्रम और कपड़ों का वितरण का कार्यक्रम हम लोग करते हैं। पिछली सर्दियों में 37,500 गर्म कपड़े हमने बांटे थे। अभी हम कल झांसी ललितपुर में बांट करके आए हैं। हर जेल में 150 150 200 कैदी ऐसे हैं संख्या के आधार पर जिनसे कोई परिजन उनका मिलने नहीं आता। कपड़े पहनने वाले कपड़ों की कमी रहती है तो सर्दी से बचाव के लिए उन लोगों के लिए गर्म कपड़े और कम्बल का वितरण का यहाँ भी कम्बल वितरण का कार्यक्रम था 200 लोगों का। और जिलाधिकारी हमारे साथ रहे, हमारी पार्टी के जिले के अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, हमारे SP भी रहे, यहाँ सभी लोग साथ रहे। और जब हम कपड़े बांटते हैं तो कैदियों के साथ संवाद भी करते हैं क्योंकि नौजवानों की संख्या बहुत बड़ी है जेल में। कोशिश करते हैं उन नौजवानों को समझाने का, उनको परिवार से कनेक्ट करके कि वो जब जेल से बाहर जाए न्यायालय के माध्यम से तो दोबारा कोई अपराध न करें, दोबारा कोई गलती न करें। कई लड़कों से हमारी बातचीत हुई है। पहले जब हम आए थे संवाद किया था तो हमने पूछा भाई क्या प्रभाव पड़ा, तो कई लड़कों ने खड़े होकर के बताया कि आप पहले आए थे, हमारी समाज में आया है और हम दोबारा कोई गलती नहीं करेंगे। जब परिवार से कनेक्ट करते हैं और जब वो भावुक होते हैं तो उस समय मैं संकल्प भी कराता हूँ सभी से कि दोबारा कोई गलती नहीं करनी है, जिससे आप जेल में आ जाओ परिवार संकट में रहे। तो एक मुहिम है हमारी, कोशिश करनी है कि हमारे कैदी जब बाहर जाएं तो दोबारा कोई अपराध ना करें और दोबारा जेल में ना आए। दूसरा, आपके माध्यम से मैं जानकारी देना चाहूँगा कि बड़े लंबे अरसे के बाद 550 सालों के बाद राम मंदिर बना है, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। पूरे उत्तर प्रदेश की जेलों को भी हमने लाइव प्रसारण दिखाने की व्यवस्था की है क्योंकि वो भी हमारे देश के नागरिक हैं जी, और वो भी छूते ना रहे हैं इस कार्यक्रम से क्योंकि ये समय बहुत लंबे समय बाद आया है, दोबारा ऐसा समय नहीं मिलेगा तो वो भी इससे वंचित रहें। हर कैदी पेशेवर अपराधी नहीं है, तमाम अनायास घटना घट जाती हैं और कैदी बन जाते हैं तो वो भी इसके साक्षी बने। मंत्री जी, 22 तारीख को जो है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और कल पहला रूप जो है प्रतिरूप जो है सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो रही है, किस तरीके का ये रूप है और क्या देखते हैं, क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? देखिए, भगवान सबके हृदय में बसते हैं। ये जैसे बच्चा जब पढ़ने जाता है और प्राइमरी में जब पढ़ने जाता है तो ABCD सिखाई जाती है। भैया आड़ी थोड़ी नीचे करो थोड़ी, बस बस। हमारी ये आस्था के केंद्र हैं, मंदिर हमारे हमें धर्म की ओर ले जाते हैं, मंदिर की साधना पूजा करना। वैसे अगर हम देखें तो भगवान सबके हृदय में वास करते हैं, सबके निवास करते हैं और हम सब इस समय देशवासी, सभी भारतवासी हम सौभाग्यशाली हैं कि ये हम सबके समक्ष हो रहा है। तमाम हमारे मनीषियों ने त्याग बलिदान समर्पण किया और दुनिया से वो चले भी गए, नहीं देख पाए, लेकिन उनके त्याग बलिदान और समर्पण के कारण हम लोगों को, हम लोग इसके साक्षी बन रहे हैं, सभी सौभाग्यशाली हैं हम लोग। प्रदेश की विभिन्न जेलों से खबरें आ रही हैं कुछ न कुछ योगदान बंदी कर रहे हैं, क्या इस जेल में कोई ऐसा प्रावधान? निश्चित रूप से हर जगह हो रहा है। अभी कानपुर की जेल में राम नाम के पताका बनी है, कई जगह पटका बन रहे हैं, कई जगह दिए बन रहे हैं, कई जगह LED दिए। गाजियाबाद की जेल में, नोएडा की जेल में LED दिए बन रहे हैं, थोड़ा सा पानी डालो दिए जलते हैं। और आजमगढ़ की जेल में दिए बने हैं, हर जगह कुछ न कुछ बन रहा है और वहाँ पहुँच भी रहे हैं। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जालौन से अमित गौर की रिपोर्ट।